हमीरपुर एचआरटीसी लोकल रूटों पर बसों के गायब रहने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से लोकल रूटों पर एचआरटीसी की बसें नदारद होने से लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं एचआरटीसी विभाग शादी ब्याहों का हवाला देकर पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। एचआरटीसी लोकल रूटों पर मनमर्जी से बसें चलाई जा रही हैं, इसके चलते यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यात्रियों को निगम की मनमानी के चलते 3 से 4 किलोमीटर का सफर रात के अंधेरे में भी पैदल तय करना पड़ रहा है। यात्रियों ने निगम के रूटीन में बसें चलाने की मांग की है ताकि वे आराम से घर पहुंच सकें। निगम की हमीरपुर से टौन देवी बायाउहल कक्कड़ बजरोड़ व जंगलवैली रूट पर शाम के 4 बजे बस अड्डा से निकलने वाली बसें रूटीन पर नहीं दौड़ रही हैं। निगम की उक्त बस हफ्ते में 3 दिन रूट से गायब रहती है, इसके चलते बस में सफर करने वाले यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं एचआरटीसी के आरएम अनुप्राणा का कहना है कि विवाह शादियों व स्टाफ की कमी के चलते यह समस्या पेश आ रही है और जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल जो पकड़ा जाता है उसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ लगभग 57 लड़के जो है जो स्किल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग थे वो निकाल चुके हैं। ना कोई नहीं है जो जैसे पैसे लेके ट्रेनिंग नहीं देना, जो भी पकड़ा गया उसको निकाल दिया गया। ड्राइवर जो है ज़्यादा छुट्टी के लिए हुई है, शादियों का सीजन लगा हुआ है, हर किसी के घर में कोई ना कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, इस करके तो ये हो जाएंगे नहीं रिस्टोर हो जाएंगे। इस बार ड्राइवर लगभग ठीक है, किसी हद तक ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शॉर्टेज है, ऐसा भी नहीं है। जो हमारी रेट हो उसके हिसाब से ड्राइवर जो है अभी कम है, लेकिन इतने कम भी नहीं है कि सारे रूट बंद हो जाए। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सारे रूट चलाएँ, लेकिन शादियों के सीजन में ऐसे चांसेस बन जाते हैं।